भगवान विष्णु के 10 अवतारों के नाम। पार्ट 1। पहला, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का यह पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि एक राक्षस ने जब ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उस राक्षस का वध किया था और वेदों की रक्षा की थी। नंबर 2, कूर्म अवतार। यह विष्णु जी का दूसरा अवतार है। इसे कच्छप अवतार भी कहा जाता है। इसमें विष्णु जी कछुआ बनकर पैदा हुए थे। देव तथा राक्षसों ने मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू कर दिया था, लेकिन पर्वत का आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कूर्म अर्थात कछुए का रूप लेकर समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया था। नंबर 3, वरा अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार माना जाता है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जब हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र तल में खींच लिया था, तो उसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जंगली सुअर का रूप धारण किया था। नंबर 4, नरसिंह अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था और दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का अंत भी किया था। इस अवतार में नरसिंह अर्थात आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें नरसिंह भगवान का चेहरा शेर का था और उनका शरीर किसी मानव अर्थात इंसान का था। नंबर 5, वामन अवतार। विष्णु जी का 5वां अवतार वामन अवतार माना जाता है। भागवत कथा के अनुसार विष्णु ने इंद्र का देवलोक में अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए यह वामन अवतार धारण किया था। ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने एक बोने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। राजा बलि ने अपने पराक्रम और बल से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण सभी देवी देवताओं में हड़कंप मच गया था। तब विष्णु भगवान ने बोने ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रह्लाद के पुत्र राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की थी। 3 पद में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भगवान विष्णु के दशावतारों का यह वीडियो 2 पार्ट में होगा। उम्मीद है यह पार्ट 1 आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।